धान खरीद का पैसा अब तक नहीं मिलने से किसान सरकार से नाराज हैं। आक्रोशित किसानों ने जल्द भुगतान की मांग को लेकर प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धान खरीद का पैसा अभी तक किसानों को ना दिए जाने से आक्रोशित किसानों ने किसान नेता प्रकाश तिवारी एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में खटीमा तहसील परिसर में धरना देकर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना था कि प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन सोसाइटी द्वारा अक्टूबर नवंबर माह में किसानों से लगभग 2 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है, जिसका भुगतान जो कि लगभग 43 करोड़ रुपए बनता है, में से अभी तक 1 रुपया भी किसानों को भुगतान स्वरूप नहीं मिला है। सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारी भी किसानों को कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही उनकी बात सुनने को तैयार है। ऐसे में अगर किसानों का भुगतान समय रहते ना किया गया तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसियों ने जो खरीदारी की है पूरे उधम सिंह नगर में लगभग 2 लाख क्विंटल धान की खरीदारी की है और अक्टूबर और नवंबर माह में ये खरीदारी की गई है, लेकिन जिसका मूल्य लगभग 43 करोड़ रुपया होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को अभी तक 1 रुपये का भी जो है भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसान आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे की खेती बोने में प्रभावित हो रही है, तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह है कि 1 हफ्ते के अंदर किसानों का समस्त अमाउंट जो है भेजा जाए, जारी किया जाए। यदि 1 हफ्ते तक किसानों को ये भुगतान नहीं मिलता है तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे। और एक आपके जानकारी में और भी मैं दे दूँ कि इस संदर्भ में हमने कई बार जो है जो इसके MD हैं सैनी साहब, उनसे दूरभाष पर जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन सैनी साहब ने जो है फ़ोन उठाने, किसानों का फ़ोन उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो मेरी आवाज़ अगर शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है तो मेरा कहने का मतलब है कि सैनी जैसे अधिकारियों को तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह हम किसानों की मांग है। किसानों के साथ धरना दे रहे विधायक भुवन कापड़ी ने भी किसानों के भुगतान को लेकर राज्य की धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में किसानों का भुगतान करने का दावा करने वाली सरकार के दावे अब कहां चले गए हैं। 1.5 माह से ज्यादा का समय बीतने पर भी किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में किसान अपनी जरूरत के लिए किसके आगे हाथ फैलाएगा। 1.5-2 महीने का समय हो गया है, किसियों के काटू में जहां जहां पर भी तो उनके क्रय केंद्र लगे हुए थे, जो हमारे खटीमा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों ने जो अपना फसल बेची है उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारियों को अगर हम कहते हैं कि अगर MD को कहते हैं जी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सरकार ने हमारा पिछला पैसा नहीं दिया है। सरकार में बैठे अधिकारियों से, सचिव से बात करते हैं तो वो कहते हैं प्रोसीजर में है, भारत सरकार पैसा देगी तो हम देंगे। तो एक तरफ तो किसानों के हित का दावा करने वाली 24 घंटे में पेमेंट करने वाली सरकार जो है 2 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाई है, तो अब किसान कैसे अपना गुजर बसर करेगा, कैसे आगे की फसल बोएगा, तो एक बड़ी समस्या खड़ी है। इसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का ज्ञापन लेने के बाद उपजिलाधिकारी ने बताया कि किसान आज अपने भुगतान से संबंधित समस्या को लेकर आए हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और उचित माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द किसान भाइयों की फसल का भुगतान हो सके। 2023 के सीजन में उसमें PCU द्वारा हमारे जो किसान भाई हैं जिसका धान खुला वहाँ पर उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया, शुद्ध होकर ये लोग हमारे पास आए हैं और उन्होंने ज्ञापन सामने प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है। आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।